हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ओके, और इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो आज भी जो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में हम पढ़ेंगे उसकी 6th एप्लीकेशन, और उसमें हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर, होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर, है ना। इससे पहले जो हमने लीनियर कंडक्टर के थ्रू फाइंड की थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम यहाँ पर ऐसा मान रहे हैं कि जो कंडक्टर है हमारा एक सिलेंडर है ना, मतलब जैसे कोई पाइप है या कोई ट्यूब है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इसको हम सिलेंड्रिकल कंडक्टर बोल सकते हैं। तो इसके थ्रू हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने यहाँ कंडीशन क्या दी है कि हमारा जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है ना। इनफाइनाइट का जो हम मतलब समझ चुके इससे पहले, रिलेटिव टर्म है, इनफाइनाइट है, और उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, है ना। रेडियस हमने मानी है आर, लेंथ उसकी इनफाइनाइट है, और उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, मतलब उसकी पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना गिवन है हमको, लैम्डा है ना। तब यहाँ पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू द कंडक्टर इन 3 केसेस, मतलब इसमें भी जो हम 3 केसेस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर, ओके, और सिलेंडर के सरफेस पर, और सिलेंडर के अंदर भी, तो है ना, मतलब सिलेंड्रिकल कंडक्टर के बाहर, अंदर और सरफेस पर, 3 स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमें यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने क्या माना है, वो सारी बातें जो हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। स्टेटमेंट, कंसिडर देयर इज ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर एंड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इन 3 केसेस, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम देख रहे हैं अब यहाँ पर आउटसाइड द सिलेंडर। तो आउटसाइड द सिलेंडर, तो हमने यहाँ मान लिया जो कि जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी सिलेंडर के बाहर है, और उसके एक्सिस से, सिलेंडरिकल कंडक्टर के एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स है ना। क्या कंडीशन दी हमने, कंसिडर द पॉइंट पी एट विच वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक। तो यहाँ गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, जो गॉस थ्योरम अप्लाई करके हमें इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमें रूल पता है जो कि गॉस थ्योरम लगाने के लिए, हमें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हम एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्लोज सरफेस ड्रॉ किया है एक्स रेडियस वाला, और कैसे ही सरफेस हमने ड्रॉ किया है, सिलेंड्रिकल सरफेस, है ना। तो ये हमने यहाँ डॉटेड जो दिखाया है ये हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस है। क्या मान लिया हमने, फॉर विच वी कंस्ट्रक्ट एन सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस एक्स एज ए गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब सेम उसके बाद की जो प्रोसीजर है हमारी, कि हम पहले सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं बाय मैथमेटिकल मेथड, फिर गॉस थ्योरम लगाकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी, है ना। तो यहाँ देखिए जो कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस में दो तरह के सरफेस आएगी, एक तो सर्कुलर सरफेसेस होगी, दो सर्कुलर सरफेस और एक कर्व सरफेस, ठीक है। तो सर्कुलर सरफेस की जो इंटेंसिटी डायरेक्शन होगी, देखिए जो जैसा हमारा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, तो सिलेंड्रिकल कंडक्टर पर अगर चार्ज है तो इस पर जो इंटेंसिटी होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी, वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी सिलेंडर पर परपेंडिकुलर होगी, सिलेंड्रिकल की कंडक्टर की लेंथ पर परपेंडिकुलर होगी, है ना। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे फ्रॉम द कंडक्टर, एंड नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड द कंडक्टर। और इसका रीजन जो हम लीनियर कंडक्टर वाले में देख चुके हैं कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसी क्यों होगी, वैसे आप इसमें भी कंसिडर कर सकते हैं, है ना। अब देखो तो यहाँ पर जो ये जो हमारे सिलेंड्रिकल सरफेस है, जो गॉसियन सरफेस है हमारा, गॉसियन सरफेस की ये सर्कुलर सरफेसेस, इनकी एरिया वेक्टर, ठीक है ना, इनकी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, परपेंडिकुलर है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखे हुए सरफेस है। तो इंसिडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, है ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला से देख सकते हैं हम। तो इंसिडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे इंसिडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो ही होगा, है ना, क्योंकि इसकी एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है,
तो ये वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा। तो गॉसियन सरफेस में जो सर्कुलर सरफेसेस है, गॉसियन सरफेस के जो सर्कुलर सरफेसेस है उनकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो उनसे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। तो अब हम क्या कहेंगे कि गॉसियन सरफेस से लिंक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ कौन से सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा, कर्व सरफेस के, है ना। ये उसका कौन सा सरफेस है, जो कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस से ही लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कर्व सरफेस की डायरेक्शन और ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो इनसे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद कर्व सरफेस। गॉसियन सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ही बराबर होगा। तो अगर हमें गॉसियन सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम किससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, कर्व सरफेस से, ओके। चलिए तो ये तो होगी बात उसकी, है ना, बाकी की प्रोसीजर तो सेम ही चलती है, सभी में सेम स्टेप ही हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ जितनी बातें जो हमने अंडरस्टैंड की है वो सब हमने यहाँ वर्ड में लिख भी दिया है। सिंस सर्कुलर सरफेसेस और गॉसियन सरफेस आर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद कर्व्ड सरफेस और गॉसियन सरफेस, है ना। मतलब ये पैरेलल है तो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा ही, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द गॉसियन सरफेस सिर्फ किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द कर्व्ड सरफेस, ओके। फिर हम यहाँ पर जो मैथमेटिकल मेथड और ये सब लगाकर गॉसियन सरफेस लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो पहले भी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाले का, इसको हमको रब करना पड़ेगा क्योंकि हमको उधर जगह चाहिए होगी ना, ओके। चलिए बच्चों, मतलब जो हमने समझा है उसको ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, है ना। देन क्या फाइंड करना है हमको, है ना, प्रोसीजर क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद गॉसियन सरफेस, है ना, अंडरस्टूड करके चलना। गॉसियन सरफेस मतलब सिर्फ कौन से सरफेस की बात करेंगे हम, कर्व सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद गॉसियन सरफेस बाय मैथमेटिकल मेथड, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, ठीक है, ये उसका वेक्टर फॉर्म है, आप उसको स्केलर में लिख सकते हो जो, ठीक है ना। तो उसका स्केलर फॉर्म क्या आ जाएगा, ई ds, है ना, और cos थीटा। तो यहाँ पर ठीक है, जैसे हम एक गॉसियन सरफेस जो एक क्या लेते हैं, एरिया एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ एरिया एलिमेंट और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी, मतलब दोनों पैरेलल होंगे, सिंस ठीक है ना ई एंड ds आर पैरेलल, है ना, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल है या म्यूचुअली पैरेलल लिखे, है ना, ये ऐसा लिखे, सेम इन डायरेक्शन आर, सेम इन डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल जीरो होगा और कॉस जीरो की वैल्यू वन होगी, तो फिर हम इसको डायरेक्ट सिर्फ इतना लिख सकते हैं ना। कई बार हम ये रिपीट कर चुके हैं जो प्रोसेस, ठीक है। तो ई अब यहाँ पर देखे जो हमने जो कर्व सरफेस लिया है, तो कर्व सरफेस की सिलेंडर के एक्सिस से सभी पॉइंट पर डिस्टेंस एक्स है, है ना, मतलब कर्व सरफेस के सभी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। क्यों यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि जैसे आप सिलेंडर को देख रहे हो ऊपर से, ऐसे ऊपर से देखो उसको, मतलब ठीक है ना, अप व्यू से और टॉप व्यू से देख रहे हो, तो ये सिलेंडर का हमको एक्सिस दिखेगा, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, है ना, ये चलो ये गॉसियन सरफेस है हमारा, ओके। तो गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी ही है, एक्स है, तो गॉसियन सरफेस से सभी डिस्टेंस की रेडियस है ना, एक्सिस से डिस्टेंस एक्स सभी जगह सेम रहेगी, तो इसका मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस से उसकी डिस्टेंस भी सेम होगी, तो हर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी बच्चों, ठीक है ना। तो सिंस इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया हमारे पास, तो फाई की वैल्यू जो है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आ जाता है बच्चों, और इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, क्या रहेगा इंटीग्रल में, ये है ना, हमें पता है कांस्टेंट क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाहर, सॉरी इंटीग्रल के बाहर। अब सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds क्या बताता है, वेयर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, ds मतलब एक छोटे एलिमेंट का एरिया, इंटीग्रल लगाया मतलब पूरे गॉसियन सरफेस के एरिया, और गॉसियन सरफेस में सिर्फ हम किसको काउंट कर रहे हैं, कर्व सरफेस को।
तो यहाँ पर कर्व सरफेस का एरिया होगा 2 पाई एक्स एल, है ना। हमने यहाँ पर मतलब जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है उसकी लेंथ भी हमने एल मान ली है ना। यहाँ चाहे तो लिख भी लेना, तो ठीक है क्या लिखा हमने, फॉर विच वी कंस्ट्रक्ट सिलैंडरिकल सरफेस ऑफ रेडियस एक्स एंड ऑफ लेंथ एल, है ना, ठीक है, एल एज ए गॉसियन सरफेस, ठीक है, मतलब गॉसियन सरफेस की लेंथ एल है हमारे पास। तो सिलेंड्रिकल गॉस सरफेस का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, 2 पाई आर एच होता है, जहां आर होती है रेडियस, एच होता है उसकी हाइट, है ना। तो हाइट से मतलब यहाँ पर उसकी लेंथ से हो जाएगा, ओके। तो ये इसको ये क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस, है ना, ये गॉसियन सरफेस भी अंडरस्टूड है कि गॉसियन सरफेस में आप उसी को काउंट करोगे, गॉसियन सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। फिर फाई की वैल्यू पुट करोगे, फाई होगा यहाँ पर ई इंटू 2 पाई एक्स एल, इसको दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक प्लस लिंग विद द गॉसियन सरफेस बाय द मैथमेटिकल मेथड। अब हम यहाँ लगाएंगे बाय गॉस थ्योरम, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम अब यहाँ पर फाई ये होगा 1/ε0। अब चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस जो ये वाला है सिलेंड्रिकल सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज होगा देखो। तो ये हमारे पास जो चार्ज किस पर है, पूरे सिलेंडर पर है, जो हमने सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ये इनफाइनाइट लेंथ का है और इसके इनफाइनाइट लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हमको यहाँ पर उसकी पर यूनिट लेंथ पर चार्ज दिया हुआ है। पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा। तो हमने जो गॉसियन सरफेस बनाया है जो उसने कंडक्टर की कितनी लेंथ को कवर किया है, एल लेंथ को, है ना, क्योंकि एल लेंथ वाला सरफेस बनाया हमने। तो कंडक्टर की एल लेंथ पर जितना चार्ज होगा वही चार्ज किसके अंदर चार्ज कहलाएगा, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। फिर से कंडक्टर की पर यूनिट लेंथ पर, यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना दिया हमारे पास, लैम्डा, है ना। और हमें कंडक्टर पर गॉसियन सरफेस में चार्ज निकालना है, तो हम यहां देखेंगे कि गॉसियन सरफेस ने कितनी लेंथ को कवर किया है कंडक्टर की, तो उसने एल लेंथ को कवर किया है। तो इसका मतलब कंडक्टर की एल लेंथ पर जितना चार्ज होगा, है ना, ये वाली लेंथ पर जितना चार्ज होगा वही चार्ज किसके अंदर चार्ज कहलाएगा, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो हमें कितनी लेंथ पर चार्ज निकालना है, मतलब एल लेंथ पर। तो हमें पता है कि एल लेंथ पर चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी के बेस पर हमें चार्ज का फॉर्मूला पता है। चार्ज क्या होता है ना, चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, जितनी लेंथ पर चाहिए उतना। तो चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारे पास, लैम्डा, लेंथ कितनी दी है, एल, ओके। तो ये लैम्डा एल वहां पर है ना, वैसे जो इससे पहले भी हमने लीनियर कंडक्टर वाले में भी यही कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, लैम्डा एल, ये होगा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। कंपेयर करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयर करने पर कितना आ जाएगा, ए इंटू 2 पाई एक्स एल और 1/ε0 लैम्डा एल, है ना, ये रहेगा। तो फिर जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करके देख लो, जो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, सिर्फ ऑनली एल कैंसिल हो रहा है, ई हो गया हमारे पास 1/ε0 लैम्डा बाय एक्स, और यूनिट लिख दे न्यूटन पर कूलम, है ना। तो ये आगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज होल ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर एंड आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए बच्चों, फिर इसके दो केसेस और आएंगे, इनसाइड और एट द सरफेस, उसको भी हम करते हैं ना। चलिए बच्चों ना, अब हम उसके सेकेंड केस देखते हैं, एट द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, है ना। तो जैसे हमने कहा था सिलेंड्रिकल कंडक्टर भी आप लिख सकते हो, ये हमारा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है ना, जिसकी रेडियस हमने आर बताई, ठीक है। तो अगर हमने जो पॉइंट पी पहले आउटसाइड कहाँ पर बताया था, आउटसाइड बताया था, है ना, अब अगर हम उसको
सरफेस पर ही शो करे कि पॉइंट पी कंडक्टर के सरफेस पर ही आ जाता है, तो उसकी पॉइंट पी की जो डिस्टेंस एक्स है ना, ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगी, रेडियस की। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए बेटो जो हमने पहले आउटसाइड वाला जो फॉर्मूला निकाला है, उस आउटसाइड वाले में एक्स की पोजिशन पर हम किसको रख दे, ठीक है, एक्स की प्लेस पर हम रख दे किसको, आर को, है ना। मतलब इसको हम अलग से कोई ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल से समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो सरफेस है कैसा हो इफ द पॉइंट पी, ठीक है, टाइज एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, सरफेस ऑफ कंडक्टर या सिलैंडरिकल कंडक्टर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयर फॉर एक्स इक्वल टू आर, है ना, और एक्स इक्वल टू अगर आर हो गया देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस, ठीक है, तो सरफेस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो आउटसाइड वाला फॉर्मूला था, है ना, उसमें हम x को रिप्लेस कर देंगे उसकी रेडियस से, तो x रेडियस हमने बताया कैपिटल R न्यूटन पर कूलम, तो ये रहेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द, सॉरी एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। यहाँ कंडक्टर पे उसे चार्ज दिखाना है, दिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखें अगला केस है जो इनसाइड, है ना, इनसाइड द सिलेंडर, तो सेम वही माना है दैट पी पॉइंट पी इज लाइज, ठीक है, एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंडक्टर, यहां पर हम कर देंगे इनसाइड, है ना, इनसाइड द कंडक्टर एट विच वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, फिर फॉर विच वी कंस्ट्रक्ट एन सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस एक्स एज ए गॉसियन सरफेस, है ना। मतलब थोड़ा सा इसका डायग्राम जो ऐसा बनेगा, जो हमारा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है इसको हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया होता है यहाँ पर ना, ये उसकी हमने बता दी रेडियस, ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस की कंडक्टर की रेडियस, उस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज अगर बनाना होते ऐसे तो आप शो कर सकते हो, ठीक है, हम शो नहीं कर रहे, ठीक है, अंडरस्टूड है, चार्ज बोल दिया। अब देखो इसके एक्सिस से, ठीक है ना, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, कोई पॉइंट पी है, इस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट पी अंदर है कंडक्टर के, तो फिर हम वही बनाएंगे यहाँ पर, फॉर विच वी कंस्ट्रक्ट ए सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है, ए सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस एक्स एंड ऑफ लेंथ एल एज ए गॉसियन सरफेस, है ना, जिसके लिए हमने क्या कर लिया आपको, एक्स रेडियस वाला और लेंथ एल वाला एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया एज ए गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेम वही उसी वही मेथड रहेगी, है ना, हम पैरेलल सरफेस जो हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड जो सर्कुलर सरफेस हो गए, समझ रहे से, ठीक है, जो सर्कुलर सरफेस हो गए ये हमने पूरा सब लिख दिया थे अभी। अब गॉसियन सरफेस के जो सर्कुलर सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे हो गए, ठीक है ना, मतलब अभी तो मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक में हमको सिर्फ किसे निकालना है, कर्व सरफेस से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर्व सरफेस ये फॉर्मूला आया। अभी हमने इंटेंसिटी कितनी बता के चली यहाँ पर, ई बता के चली, है ना, हमने सिर्फ इंडिकेट किया जो कि उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना। फिर सेम प्रोसीजर यहाँ पर आएगी बाय गॉस थ्योरम, सेम एज इट इज रहेगा, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, चार्ज इनसाइड और गॉसियन सरफेस। अब देखो जो गॉस थ्योरम लगाएगी चार्ज इनसाइड और गॉसियन सरफेस, अब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा, तो हमने पहले पढ़ा है, इससे पहले कौन से पढ़ी है कि कंडक्टर को हम जो भी चार्ज देते हैं वो कंडक्टर के सरफेस पर आ जाता है, चाहे कंडक्टर सिलेंड्रिकल और चाहे कंडक्टर होलो हो या सॉलिड हो, तो जो चार्ज हम दे रहे हैं जो वो टोटल चार्ज कहां पर ही होगा, कंडक्टर के सरफेस पर ही होगा, इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज, चार्ज वहां नहीं रह सकता, चार्ज नहीं होगा वहां पर, ओके। तो इसका मतलब हमने ये जो अंदर गॉसियन सरफेस बनाया है इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज नहीं होगा, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इसको लिख देंगे जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो पाई कितना आ गया इधर,
जीरो आ गया, तो इसको दे देंगे, है ना। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करोगे, चलिए इसको, है ना, इलेक्ट्रिक प्लस लिमिट गॉसियन सरफेस इज कितना होगा, गॉसियन सरफेस जीरो, फाइव हो गया हमारे पास जीरो, ठीक है। फिर यहाँ लिख लेते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये उसकी इक्वेशन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, टू पाई एक्स एल, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो, तो इंटेंसिटी कितनी आ गई, तो जीरो, है ना। मतलब कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी हमेशा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात करें, मतलब चार्ज अगर कंडक्टर पर रेस्ट स्टेट में हो तो उस केस में यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा जीरो होगी, चाहे सिलैंडिकल कंडक्टर हो, है ना, चाहे स्फेरिकल कंडक्टर हो। हमने इससे पहले जो फाइंड किया है इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनसाइड ए होलो सिलैंडिकल स्फेयर, तो सॉरी होलो स्फेयर, तो होलो स्फेयर के अंदर भी जो हमने यही फाइंड किया था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती, मतलब कंडक्टर हो तो उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगी किसी भी शेप में हो, ओके। तो ये रहा बच्चों हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज होलो सिलैंडरिकल कंडक्टर, ठीक है ना। चलिए बच्चों इतना नोट कीजिए, फिर हम, ठीक है ना, चलिए इसको नोट कीजिए, और हमेशा याद रखिए बच्चों कंडक्टर किसी भी शेप का हो उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए बच्चों, है ना। अब हम इसका नेक्स्ट केस देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, मतलब हमें इस बार सिलेंडर केस लिया हमने, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ सॉलिड सिलेंडर है, है ना। तो इसकी इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है, तीन केसेस में हम इसके थ्रू भी फाइंड करेंगे, वही विच आउटसाइड इनसाइड एंड एट द सरफेस, ओके। तो चाहे पे ध्यान रखना कि जैसे हमारे ये सिलेंडर है, है ना, सॉलिड सिलेंडर है ये, मतलब इसके अंदर कैविटी, इसके अंदर मटेरियल है, ब्लेड, है ना, ठीक है। तो इस तरह के सिलेंडर हमने माना है नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है कि हम उसको जो भी चार्ज देते हैं वो उसके, है ना, उसी पॉइंट पर सिचुएटेड हो जाता है। तो मान लिया हमने कि हमने इंटेंसिटी ऑफ जो चार्ज दिया है, है ना, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज कहाँ पर है, उसके पूरे वॉल्यूम पर आएगा, इस बार चार्ज कहाँ पर होगा, ठीक है, सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है, तो हमने माना है कि हमने जो चार्ज दिया है वो उसके पूरे वॉल्यूम पर फैला हुआ है, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें इंटेंसिटी तीन केसेस में फाइंड करनी है, ठीक है। एक आउटसाइड, तो हमने पॉइंट पी को आउटसाइड मान लिया एक डिस्टेंस पर, तो ध्यान रखिए जो कि ये सिलेंडर हमारा चाहे सॉलिड हो, है ना, या होलो हो, ठीक है, होलो हो और कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर, मतलब ये नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं हम और ये कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, है ना, कंडक्टिंग हो चाहे ये सॉलिड रहे या चाहे होलो रहे, है ना, दोनों की तरह कंडक्टिंग में होलो या सॉलिड, तो इससे भी एक्स डिस्टेंस पर अगर हम पॉइंट पी पर उसके एक्सिस से, एक्सिस से मतलब दोनों की रेडियस इक्वल हम मान रहे हैं, इसकी भी आर इसकी रेडियस भी आर, तो पॉइंट पी अगर एक्स डिस्टेंस पर हो तो दोनों केस में इंटेंसिटी सेम आएगी, है ना, चाहे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर हो या कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर हो या होलो सिलेंडर हो, ठीक है ना, बाहर जो इंटेंसिटी आएगी कंडक्टर के सिलेंडर के वो दोनों में सेम रहेगी, अगर डिस्टेंस सेम है, रेडियस सेम है, तो इसलिए हम इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टर पर भी हमको इंटेंसिटी आउटसाइड निकालना है, तो जो हमने कंडक्टर के लिए निकाली कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए वही फॉर्मूला इसमें भी यूज होगा, मतलब इसका फिर हम डेरिवेशन नहीं देखेंगे, मतलब आउटसाइड वाले का हम डेरिवेशन नहीं निकालेंगे, वो कंडक्टर वाले डेरिवेशन ही यहाँ यूज हो जाएगा, तो आउटसाइड का सिर्फ हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, ओके ना, डेरिवेशन एज इट इज रहेगा जो कंडक्टिंग सिलेंडर में देखा है, ठीक है। फिर उसकी सरफेस पे दूसरा केस है, यहाँ पर पॉइंट पी अगर सरफेस पर हो तो एक्स किसके इक्वलेंट हो जाएगा, आर के, दोनों केस में तो सिलेंडर हो नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हो, तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हो
या कंडक्टिंग सिलेंडर हो, सॉलिड हो या होलो हो, आउटसाइड और एट द सरफेस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। अगर चार डेंसिटी सेम है, रेडियस सेम है, डिस्टेंस सेम है ना, तो ये बेटो हमने आउटसाइड एट द सरफेस, सरफेस वाले का भी हम फॉर्मूला नहीं निकालेंगे, सिर्फ फॉर्मूला हम यहाँ उसका डायरेक्टली लिख रहे हैं, मतलब तीन केस में इसमें भी फाइंड करना है, तो डेरिवेशन वो सिलेंड्रिकल कंडक्टर वाला ही रहेगा, तो उसको आप वहां से कॉपी कर लो या इसको रिपीट करने की भी कोई जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है इतना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब जो तीसरा केस है जो वो थोड़ा सा डिफर करेगा, मतलब जैसे कंडक्टिंग जो हमारा सिलेंडर था उसके अंदर इंटेंसिटी जीरो होती है, क्योंकि हमने बोला कि इसके अंदर चार्ज जीरो होता है ना, इसलिए। लेकिन जो हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टर है इसके अंदर भी जो चार्ज जीरो नहीं होगा, तो इसके अंदर इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी, मतलब इसके अंदर इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, इंटेंसिटी होगी। तो तीसरा केस डिफर करेगा, मतलब दो केसेस में तो इंटेंसिटी बिल्कुल सेम आएगी और एट द सरफेस, लेकिन जो तीसरा केस है अंदर वाला जो इनसाइड, इसमें जीरो होती है और इसमें जीरो नहीं होगी, तो हम यह डेरिवेशन इनसाइड वाले के लिए निकालेंगे, है ना, बाकी के डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे से फॉर्मूला लिख देना। तो इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर हम यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर हम इंटेंसिटी निकालते हैं, इसका थर्ड वाले का डेरिवेशन हम देखेंगे बस। तो उसके बीच मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिख दी है यहाँ पर, पहले आप इतना कॉपी कीजिए, फिर हम उसका डेरिवेशन आगे देखते हैं, है ना। चलिए सरफेस पर आउटसाइड और इनसाइड, तो इनसाइड का भी मैंने स्टेटमेंट लिखकर रख दी है, उसका डेरिवेशन हम देखते हैं, आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। ओके चलिए बेटा ना, अब हम इसका थर्ड केस देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, ओके सॉलिड सिलेंडर के अंदर, है ना। तो अब देख रहे हो कि इसमें एक नई बात यहाँ पर कि हमें इसकी प्रोसीजर समझी, जैसे जनरली हम अभी तक क्या करते आए हैं कि हमने मान लिया कि हमारा है ना जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालनी हो, तो हम उसके अलॉन्ग एक उससे पास होने वाला है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, फिर गॉसियन सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, है ना, मैथमेटिकल मेथड से, मतलब उनकी जनरल प्रोसीजर हमें पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं हम किसके थ्रू, मैथमेटिकल मेथड से, है ना, फिर इससे जो आंसर आता है उसको हम इक्वेशन वन दे देते हैं, फिर हम उसके बाद जो यहाँ लगाते हैं गॉसियन सरफेस, है ना, गॉस थ्योरम। तो देखना यहाँ पर कि अगर हम यहाँ गॉस थ्योरम लगाकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, तो गॉस थ्योरम लगाकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ओके चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, है ना ये। तो अगर हम गॉसियन सरफेस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे गॉस थ्योरम लगाकर, तो हमको यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले जो जैसे सिलेंडर वाला केस था उसके अंदर कंडक्टर वाला केस था, तो कंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीधे चार्ज यहाँ जीरो कह देते हैं, लेकिन इस बार जो सॉलिड है नॉन कंडक्टर है, तो सॉलिड और नॉन कंडक्टर के अंदर यहाँ पर चार्ज अंदर भी एग्जिस्ट करेगा, उसके वॉल्यूम पर अगर चार्ज दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर हम ठीक है ना इसके अंदर चार्ज जीरो नहीं कह सकते, मतलब इस बार गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो नहीं होगा, है ना। तो अगर हम इसमें तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस लगाएंगे फिर गॉस थ्योरम लगाएंगे, तो हमको यहाँ किसकी जरूरत पड़ने वाली है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले हम इसी को निकाल कर रख लेते हैं, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, फिर इसके बाद की पूरी प्रोसीजर सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे मैथमेटिकल मेथड से, गॉस थ्योरम लगाएंगे, और जो गॉस थ्योरम के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालेंगे गॉसियन सरफेस के अंदर, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ओके चलिए, है ना। तो ये हमको करना है ठीक है। तो हमने क्या माना यहाँ पर कि हमारे पास जो सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर है उसकी लेंथ हमने इनफाइनाइट मानी है, ठीक है ना, हमने क्या माना है इनफाइनाइट लेंथ, और उस पर चार डेंसिटी हमने ली है तो लैम्डा, ठीक है ना, रेडियस आर है और चार डेंसिटी लैम्डा है, और उसके अंदर किसी पॉइंट पी पर एक्स डिस्टेंस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी, मतलब एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है अंदर इनसाइड द सिलेंडर, एट विच वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर विच वी कंस्ट्रक्ट एन सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस एक्स एंड ऑफ लेंथ एल एज ए गॉसियन सरफेस, ओके। तो यहां पर जो है ना हमको अब
सबसे पहले जब गॉसियन हम लगाएंगे चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ेगी। किसके अंदर हमको चार्ज चाहिए होगा, ये जो अंदर सिलेंडर दिख रहा है आपको है ना, एक्स रेडियस वाला, ये एल लेंथ वाला और एक्स रेडियस वाला जो सिलेंडर है इस पर हमको चार्ज फाइंड करना होगा, यही हमारा गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले हम उसके अंदर चार्ज निकालेंगे। अब चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमने इससे पहले भी कई बार देखा है चार्ज है ना का फॉर्मूला जो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी है ना। चार्ज डेंसिटी वाली कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, इससे पहले वाले एप्लीकेशन में भी हम ये समझ चुके हैं, चार्ज डेंसिटी इंटू है ना डायमेंशन, ये हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला है, ठीक है ना। चार्ज निकालने का किसी कंडक्टर की किसी डायमेंशन पर अगर चार्ज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ही है। तो चार्ज डेंसिटी है ना कौन सी होगा, डिपेंड करेगा कि चार्ज कहाँ पर फैला हुआ है ना, चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है ना, या सरफेस पर है या वॉल्यूम पर। तो यहाँ जो चार्ज कहाँ पर है, वॉल्यूम पर है, तो यहाँ कौन सी चार्ज डेंसिटी हम ले लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर डायमेंशन, जिस डायमेंशन पे निकालना हो है ना, तो हमको किस पर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस पे चार्ज निकालना है ना, तो वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, ओके ये है ना, ये फॉर्मूला। तो हमको चार्ज ऑन द गॉसियन सरफेस निकालने के लिए चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, ओके ये निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। तो वॉल्यूम तो जो फॉर्मूला है सीधे कोई निकालने की जरूरत नहीं है ना, वॉल्यूम हमको पता है, गॉसियन सरफेस ये है हमारा, इधर बना के दिखा दो तो, गॉसियन सरफेस की लेंथ हमने एल बोल दी है, रेडियस कितनी बता दी है एक्स। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है बेटो है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एल है ना, एच उसकी लेंथ या एल उसकी लेंथ होगी ना, ये सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस एक्स रेडियस एक्स है तो एक्स। तो हमको गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम पता है, हमें यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं मालूम। तो पहले हम सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ही निकालेंगे ठीक है, फिर उसके बाद चार्ज ऑन गॉसियन सरफेस निकालने के लिए जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी उसमें वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस आ जाएगा। समझ में आई ना स्टेप, क्या करने जा रहे हैं हम, क्या करने वाले हैं हम, जैसे ये थ्योरम लगाएंगे गॉस थ्योरम, तो हमको चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस की वैल्यू चाहिए होगी, तो इसलिए हम सबसे पहले चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस निकाल के रख लेंगे। और चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस के लिए हमको दो चीजें चाहिए, वॉल्यूम ऑफ चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। तो वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस तो हमारे पास है ना पाई आर स्क्वायर एल, सॉरी एक्स स्क्वायर एल है ना, जहां एक्स उसकी रेडियस है। चार्ज डेंसिटी नहीं मालूम हमको, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं मालूम, तो पहले हम किसके फॉर्मूला निकाल के रख लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, ओके चलिए। तो पहले हम सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे है ना। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, सिंस ठीक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पहले तो उसका जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द चार्ज अपॉन वॉल्यूम ठीक है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए चार्ज की वैल्यू चाहिए होगी और वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए होगी। तो हमको जो चार्ज दिया है वो पर यूनिट लेंथ दिया है सिलेंडर के, मेन सिलेंडर जो है कौन सा सिलेंडर, आर रेडियस वाले सिलेंडर है ना, ये आर रेडियस वाले सिलेंडर पर हमको चार्ज दिया है, तो उसी के बेस पर हम यहाँ पर चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे है ना। तो यहाँ नेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ है ना सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस वाला जो सिलेंडर है ठीक है ना, उस पर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी तो उसी पे सब पे सेम रहना है क्योंकि उसी के अंदर गॉसियन सरफेस माना हमने, तो उस पे जो चार्ज है जो उसको हमने अभी मान लिया क्यू है ना, चार्ज की वैल्यू नहीं दी है हमारे पास लेकिन हमने चार्ज अंडरस्टूड कर लिया अभी क्यू मान लिया। वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच है ना, एच क्या होती है उसकी लेंथ होती है, एच क्या होती है
लेंथ। हालांकि अभी हमने इनफाइनाइट लेंथ मानी है ना, लेकिन हम अभी फॉर्मूला बनाने के लिए थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए इसलिए हमने चार्ज को क्यू बता दिया। पूरे इनफाइनाइट लेंथ वाले कंडक्टर पे टोटल चार्ज को हमने क्यू बता दिया और उसको हमने लेंथ को अभी एस से दिखा दिया है ना। अब देखो यहां पर जो ठीक है कि हमारे पास जो ये रहेगा ठीक है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ठीक है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको हम दो से दिखाते हैं ना, यहां पर भी दो से बता दे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ठीक है। अब देखो कि यहां पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ठीक है, लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब कहां से लिख दिया देखो तो Q अपॉन एच, Q किसकी वैल्यू है चार्ज की है ना, Q किसकी वैल्यू है चार्ज की, अपॉन में क्या है H, तो H मतलब क्या मान लो कंडक्टर की लेंथ, तो चार्ज अपॉन लेंथ किसका फॉर्मूला है लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है ना किसका फॉर्मूला है तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज अपॉन लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो Q बाय एच को हम क्या लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब Q बाय एच हमारा किसके बराबर लैम्डा के बराबर है ना, तो इसलिए यहाँ पर रीजन भी लिख देना सिंस Q बाय एच इज इक्वल टू लैम्डा है ना। चलो ये आ गया हमारे पास है ना ओके। अब है ना ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमको मिल चुकी है, अब हमको निकालना है चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस ठीक है। क्या निकालना है नाउ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस ठीक है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस ठीक है। कितना गॉसियन सरफेस मतलब किसके अंदर चार्ज निकालना है हमको, ये चार्ज ऑन सिलेंडर है ना, ये वर्ड में भी लिख देता हूं चार्ज ऑन सिलेंडर ऑफ रेडियस एक्स है ना, ये एक्स रेडियस वाले सिलेंडर के अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज चाहिए, तो इसमें चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां देखो ठीक है ना, चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा अभी हमने पढ़ा था चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है ना, चार्ज डेंसिटी ये पढ़ा था ना, तो चार्ज डेंसिटी ठीक है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से चार्ज क्या बन गया चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी हमने अभी रो से दिखाई है ना, वैल्यू नहीं रख रहे रो दिखाया बस ठीक है। और यहां से क्यों वी वी मतलब वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, तो वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हमारा क्या है पाई आर सॉरी पाई एक्स स्क्वायर एल। क्लियर नहीं यहां तक, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां एल आर होती है रेडियस तो इसकी रेडियस कितनी है एक्स, एच होती है हाइट तो पाई एक्स स्क्वायर ये बन गया है ना। छोटी छोटी सी फॉर्मूले जो आप अंडरस्टूड कर सकते हो, फिर भी मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ क्लियर कर देता हूँ है ना। चलिए तो नाउ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस हमको मिल गया, अब इसके बाद वाली प्रोसीजर पूरी सेम रहेगी, तो फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ पर ठीक है ना, फिर हम यहाँ फाइंड करेंगे देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ गॉसियन सरफेस, और किससे निकालेंगे जो हम इसको गॉस थ्योरम से लगा है ना मैथमेटिकल फॉर्मूले से क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस है ना, या फाई आ जाएगा हमारे पास ई डी एस है ना क्यों, वो तो हम कई बार रीजन देख चुके हैं कि ई और ये यहाँ भी रीजन भी लिख देना सिंस ई एंड एरिया वेक्टर आर सेम इन डायरेक्शन है ना, ये लिख देते हैं ओके। तो फाई आ गया यहाँ पर
है ना, सिंस ई इज कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल सरफेस के हर पॉइंट पर ये कॉन्स्टेंट रहेगा। फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, ई कौन इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, यहाँ पे चाहिए होते हो डी एस, है ना, यहाँ तक तो कॉमन स्टेप ही हमको पता ही है, इसलिए जब बार बार इसको एकदम एग्जैक्टली है ना मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लिखते चल रहा हूँ, आप अंडरस्टूड कर सकते हो, है ना, वेयर क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस, ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस क्या बताता है, गॉसियन सरफेस का एरिया, है ना, सरफेस एरिया, और गॉसियन सरफेस में यहाँ सिर्फ कौन काउंट होगा, है ना, सिर्फ कर्व्ड सरफेस, सिलैंड्रिकल सरफेस तो पैरेलल है ना, सॉरी सर्कुलर सरफेस काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू पाई एक्स एल, है ना, ये इससे पहले वाले डेरिवेशन में क्लियर कर चुके हैं, है ना, तो यहाँ पर होगा तो सर एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस, है ना, गॉसियन सरफेस का जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया है, ठीक है, फिर फाई हो गया हमारे पास ई इंटू टू पाई एक्स एल, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, अब इसके बाद जो हम क्या लगाते हैं, नाउ फ्रॉम द बाय गॉस थ्योरम, ठीक है, बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम लगाकर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ गॉसियन सरफेस, है ना, तो यहाँ थ्योरम लिख रहे हो, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन इनटू में चार्ज, है ना, फॉर्मूला लिखा उसका इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा, है ना, अब फाई वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इधर हम निकाल चुके हैं जो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, क्या है गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, ये वाला, ठीक है, रो पाई एक्स स्क्वायर एल, ओके, ये आ गया, है ना, इसको दे दिया हमने इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया हमारे पास ये और ये, तो फिर दोनों को कंपेयर करोगे आप मैथमेटिकल मेथड से, इतना निकाला गॉस थ्योरम से, इतना निकाला e इंटू टू पाई एक्सएल, इधर आएगा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू में रो पाई एक्स स्क्वायर एल, ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, है ना, और जो ठीक है और उसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, तो क्या कैंसिल हो जाएगा इधर, ठीक है, e वन अपॉन, है ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो रहा है ना, और एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना, तो यहाँ बचेगा ई और ट्रांसपोज कर दे रहे हैं तो वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एल से एल भी कैंसिल, है ना, एल से एल भी कैंसिल, अब हमारे पास ऊपर क्या बच गया, रो और एक एक्स बच गया, एक्स की सिर्फ पावर कैंसिल हुई यहाँ पर, है ना, तो यहाँ जो ऊपर क्या बच जाएगा, रो इंटू एक्स, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन न्यूटन पर खुला, मतलब इनसाइड ए सॉलिड सिलेंडर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, है ना, मतलब अंदर जो इंटेंसिटी, इनसाइड में जो इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आउटसाइड आउटसाइड में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डिफरेंस है, मतलब हम सिलेंडर के एक्सिस से सरफेस की ओर जाएंगे, एक्सिस से सरफेस की ओर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, एक्स इज इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब सरफेस की ओर जाने पर इंटेंसिटी इंक्रीज होते चलती है, फिर सरफेस से बाहर हट रहे हैं, निकल रहे हैं, आउटसाइड जा रहे हैं, तो फिर डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, मतलब वहां से इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, क्लियर ना कॉन्सेप्ट, यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर हो जो
तो उसके अंदर एक्सिस से सरफेस तक जाने पर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, फिर सरफेस से बाहर इधर निकल गए ठीक है तो फिर डिक्रीज होने लगेगी। ओके अब ये हो गया। अब इसको जो हम एक और केस में यहां लिख देते हैं रो की वैल्यू पुट करने पे, ठीक है ना। तो रो की वैल्यू ये है हमारे पास लैम्डा बाय पाई आर स्क्वायर। ओके तो फिर ई की वैल्यू क्या बन जाएगी एक, ठीक है या वो रो की वैल्यू पुट करते थे एक्स टू एप्सिलॉन नॉट लैम्डा पाई आर स्क्वायर, है ना। इसको रीअरेंज करके लिख दे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू ये पाई जो पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इधर क्या आ जाएगा लैम्डा एक्स आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, ये रहेगी जो इनसाइड द इंटेंसिटी ऑफ इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब दो फॉर्मूले हैं, पाई की वैल्यू अगर रो की वैल्यू रख देंगे तो ये आएगा, है ना ऐसे, ठीक है। तो ये रहेगी जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। मतलब अगर ये कंडक्टिंग होता, कंडक्टर होता तो अंदर इंटेंसिटी जीरो आती, लेकिन सॉलिड है और नॉन कंडक्टर तो इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, उसकी वैल्यू ये होगी, है ना। चलिए इसे नोट कर लीजिए।